फ्रेंड्स, हम लेके आए हैं आज ही ब्रेड से बनने वाला चटपटा सा नाश्ता। अगर आपके घर में रखे हैं ब्रेड और सूख रहे हैं, कोई खा नहीं रहा, तो बना लीजिए आप ये झटपट से बहुत ही टेस्टी चटपटा सा नाश्ता। तो स्वागत है आपका बदना पूरी किचन में। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। हमें चाहिए बॉईल के आलू, जो मैंने पहले ही मैश करके रख लिए थे। इसमें मैंने बारीक कटा हरा धनिया, एक बारीक कटी हुई हमने इसमें प्याज डाल दी है, 2 से 3 बारीक कटी हमने हरी मिर्ची डाल दी है। इसके बाद हम धनिया पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच और लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। इसके बाद हम 1 चम्मच भर के लेंगे चाट मसाला। फिर इसमें हम आधे चम्मच जीरा डाल देंगे और हमें लेना है थोड़ा सा पनीर। तो पनीर आप कम या ज्यादा ले सकते हैं, आलू भी आप कम ले सकते हैं और पनीर ज्यादा ले सकते हैं, जैसे भी आप इस रेसिपी को बनाना पसंद करें। तो अगर आप पनीर पनीर का बनाना चाहते हैं तो पनीर का भी बना सकते हैं या आलू का भी आप बना सकते हैं। इसमें हम टेस्ट अनुसार 1 चम्मच नमक डाल देंगे और हमें सभी को मिक्स कर लेना है। तो हम इसी तरह से हाथों से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे तो हमारे सभी मसाले और पनीर अच्छे से फ्रेंड्स मिक्स हो जाएगा। तो ये हमारी बड़ी सी स्टफिंग बनके फ्रेंड्स तैयार हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं अगले प्रोसेस। तो हमें चाहिए ब्रेड, तो आप ब्रेड कम या ज्यादा ले सकते हैं। मेरे ब्रेड ये रखे हुए थे फ्रिज में, 3-4 दिन पुराने हैं, आप इनको इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब इनको हमें मिक्सर ग्राइंडर में डाल लेना है तोड़कर, और इन्हें हमें बढ़िया सा ग्राइंड कर लेना है, एकदम फाइन पाउडर बना के तैयार कर लेना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, अब हमने मिक्सर ग्राइंडर में ब्रेड को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, तो एकदम ये चूरा सा फ्रेंड्स बन के तैयार हो चुका है। तो आप इसे थोड़ा बारीक भी कर सकते हैं, मैंने थोड़ा ज्यादा बारीक नहीं किया है। अब हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रेड का चूरा हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, इसको हमें बाद में यूज करना है। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिलाएंगे, लगभग आधी कटोरी के आसपास। तो अब इसमें हम थोड़ा सा आधा कटोरी के आसपास इसमें गेहूं का आटा डाल देंगे। अब इसमें हम आधी चम्मच नमक डाल देंगे और हमें अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद हम 1 चम्मच के आसपास इसमें ऑयल लगाने के लिए 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इसमें अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट डाल देंगे। तो अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब हम सभी को मिक्स कर लिए हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डालना है, एकदम से नहीं डालना है, क्योंकि इसमें ब्रेड का चूरा है जो जल्दी से गीला हो जाता है। अब हम इसे अच्छे से हाथों से एकदम डोसा बना के हमें तैयार कर लेना है। तो जितना पानी हमें लगेगा उतना ही हम इसमें थोड़ा थोड़ा छिड़कते हुए डालते जाएंगे। तो अब थोड़ा सा मैंने आटा उसमें और मिला लिया था, थोड़ा सा गीला हो चुका था। तो इस तरह से ये डो हमारा फ्रेंड्स बनके हो चुका है तैयार। तो चलिए देखते हैं अगली प्रोसेस। तो अब हम इस तरह से लोई ले लेंगे और इसे हमें पतला पतला सा रोटी जैसा बेल लेना है। तो हम इसको एकदम रोटी जैसा बेलेंगे, ना ज्यादा मोटा रखना है और ना ज्यादा हमें इसे पतला रखना है। तो देखिए, इस तरह से हमारा बिल्कुल तैयार हो चुकी है एक रोटी। में लेना है आलू की स्टफिंग और पनीर की जो हमने बना के रखी हुई थी, इस तरह से रोटी पर हमें चिपका देना है। तो देखिए, इस तरह से अच्छा से चिपक चुका है और इस तरह से हमें फोल्ड करते जाना है, एकदम सा रोल बना के तैयार कर लेना है। तो इस बात का ध्यान रखिए, बीच से थोड़ा सा फट जाता है क्योंकि हमने ब्रेड से डो बना के तैयार किया था। अब इस तरह से हमने देखिए बढ़िया सा ये रोल बना के तैयार कर लिया है। तो बगल से थोड़ा खाली है, तो इसमें थोड़ा सा हम पनीर और आलू की स्टफिंग बगल से इस तरह से भर देंगे तो अच्छे से कवर हो जाएगा। अब हम चाकू की सहायता से फ्रेंड्स इसको छोटे छोटे से पीसेज में हमें इस तरह से कट कर लेना है। तो एकदम ये लच्छे जैसे बनके तैयार हो जाते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम चाकू से बढ़िया सा इनको शेप दे देंगे। तो आप इनको थोड़ा मोटा या पतला रख सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना है, हाथों से इस तरह से हम थोड़ा इनको दबाते जाएंगे और एकदम गोल गोल आकार का इनका थोड़ा सा शेप दे देंगे। अगर आप चाहो तो इनको थोड़ा लंबा आकार में हाथों से कर सकते हैं। तो इस तरह से गोल गोल फ्रेंड्स हम बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से बन के तैयार हो चुके हैं। तो अब हमने एक प्लेट में इस तरह से रख लिया था, बाकी को हमने इसी तरह से बना के रख लिया था। तो हमारे इतने से डो में 2 रोल बन के तैयार हुए थे। अब हमने जो ब्रेड का चूरा रखा हुआ था, इस तरह से आलू और पनीर की स्टफिंग के ऊपर थोड़ा सा चिपका देना है, वरना ये तेल में थोड़ा सा निकल जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हम इस तरह से चिपका देंगे तो ये बाहर नहीं निकले। आप चाहो तो थोड़ा सा हल्का सा इनके ऊपर पानी छिड़क कर ये ब्रेड का चूरा चिपका सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने चिपका लिए है। अब हमने कुकिंग ऑयल पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए,
पैन में, तो आप इनको सेलो फ्राई कर सकते हैं या फिर आप इनको डीप फ्राई कर सकते हैं, जैसे भी आप खाना पसंद करें। अगर आप बिल्कुल कम ऑयल खाते हैं तो उनको हल्के से ऑयल में भी आप इनको सेक सकते हैं। तो इनको इसी तरह से फ्रेंड्स हमें बढ़िया सा धीमी आंच पर फ्राई करना है। तो गैस की आंच बिल्कुल धीमी मत रखिएगा, वरना ये बहुत ही ज्यादा ऑयल सोख जाते हैं। तो इस तरह से हम इनको तेज आंच पर फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से इनका कलर चेंज हो जाता है और बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं। तो एक बार आप बचे हुए ब्रेड से इस तरह का नाश्ता बना के सभी को खिलाइए, अपने घर में सभी को पसंद आएंगे, छोटे से बड़ों के को भी। तो फ्रेंड्स देखिए इसी तरह से बातों बातों में हमारे ये फ्राई हो चुके हैं, बढ़िया सा इनमें कलर आ चुका है, बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं। आप इनको गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो अब इनको हम एक टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे, जो भी ऑयल होगा एक्स्ट्रा वो टिश्यू पेपर सोख लेगा। अब हमने इनको सर्व किया है प्लेट में। मैंने टमाटर की चटनी बनाई थी, आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ इनको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं और झटपट से बन के तैयार हो जाते हैं। आप इनको चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हल्की फुल्की भूख लगी हो और घर में रखे हुए हैं ब्रेड, कोई खाता नहीं है, तो आप इस तरह से इस रेसिपी को बचे हुए ब्रेड से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी हमारी कैसी लगी? अगर आपको जरा से भी पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। वीडियो देख थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।